अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजदत के साथ मैं हूँ शाहिद मेथला। आज हम प्रोग्राम में मौशी जो इकदामात हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं उन पर बात करेंगे। हुकूमत अभी तक मौशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी है। अगर टैक्स की बात की जाए तो 5500 अरब रुपए इस साल इकट्ठे किए जाने थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 4700 बिलियन रुपीज जो है वो इकट्ठे किए जा सकेंगे। 25 अरब रुपए रोजाना हुकूमत कर्जा ले रही है, 11610 अरब रुपया कर्जा 15-16 महीनों में लिया जा चुका है हुकूमत की जानिब से। और महंगाई का ये आलम है कि एशिया खोरो नोश जो है वो 78% तक बढ़ चुकी हुई हैं। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया गया है जो सरबरा मुस्लिम लीग जा है एजाजुल हक साहब पर, कि वो उनके और उनके भाई चौधरी शुजात साहब के खिलाफ मुशर्रफ को शिकायतें लगाया करते थे और साजिश में इन्वॉल्व रहे हैं और ये कोशिशें करते रहे हैं कि चौधरी शुजात को मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटा दिया जाए। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग जा के सरबरा एजाजुल हक साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम मौशी जो सूरत हाल है मुल्क की उस पर भी बात करेंगे और मौशी माहरीन से बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्लिम लीग ज़ा के सदर एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाजुल हक साहब, आप पर चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए हैं कि आप हामिद नासिर चट्ठा और मंजूर वट्टू के साथ मिलकर चौधरी शुजात के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं और उनको हटाने की बातें करते रहे हैं। मुझे बड़ा ये अजीबो गरीब लगा है चौधरी परवेज इलाही साहब की बात सुनकर, जिसमें उन्होंने मेरा नाम दिया, क्योंकि मेरे और चौधरी शुजात साहब के ताल्लुकात एक बड़े भाई छोटे भाई के कह लें बल्कि एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से मैं उनको मानता हूं। और इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी शुजात के हम पे बड़े एहसान हैं। आपको ये बात मालूम होगी कि हम चौधरी जहूरुल्लाह साहब के घर में भी ठहरे, जब हमें आर्मी हाउस खाली करने के लिए कहा गया तो तकरीबन एक साल तक चौधरी शुजात साहब की वालदा ने मेरी वालदा को बल्कि रिक्वेस्ट करके लेकर कहीं के साथ कि आप हमारे यहाँ ठहरे। तो परवेज इलाही साहब को हमेशा कुछ ना कुछ मसला रहता है। देखें, पूरी जमात उन्होंने काफ लीग को जहाँ लाकर खड़ा कर दिया, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात थी। और साजिश, मैंने तो ये कहा कि साजिश उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि मेरे उनके साथ जो ताल्लुकात थे, अगर आपको मालूम होगा, जब गुलाम हैदर वाइन को हटाया गया और मंजूर वट्टू साहब ने पंजाब में एक कह लें कि सियासी कू करने की कोशिश की, तो सिर्फ 40-47 लोग रह गए थे और नवाज शरीफ साहब, और उस वक्त इतना किरदार नहीं था शहबाज शरीफ का, तो मैंने सबको इकट्ठा किया 7 क्लब रोड में। उनको इस बात का अच्छी तरह मालूम है और उनको की क्यादत में लोगों को भेजा असेंबली के अंदर, और जहां भी मौका मिला चौधरी शुजात की सपोर्ट की। लेकिन परवेज इलाही साहब हमेशा एक वहमी शख्सियत के तौर पे पाए गए हैं। कभी मैंने हामिद नासिर चट्ठा के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मुझे परवेज मुशर्रफ ने 2 अगस्त 2002 में जब इलेक्शन होने लगे थे, तो मुझे उन्होंने 24 जुलाई को बुलाया अपने दफ्तर में और मेरी 1-to-1 उनके साथ मीटिंग हुई जी। जिसका तारिक अदीब साहब ने बड़ा बुरा मनाया कि इन्होंने क्यों अकेले बैठकर मीटिंग की है जनरल परवेज मुशर्रफ से। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मुझे बताया कि पार्टी जो है वो काफ लीग सही नहीं चल रही, तो मियां अज़हर को हम सोच रहे हैं तब्दील किया जाए और मैं चाहता हूं कि आप इलेक्शन लड़े पार्टी का। तो मैंने उनसे उस वक्त भी कहा, मैंने कहा ये आप चौधरी बरादरान से पूछ लें, हो सकता है कि उनको ये बात ठीक ना लगे, या फिर तारिक अजीज साहब से पूछ लें जो आपके बड़े करीबी साथी हैं, वो चौधरी साहबान के बड़े करीबी साथी हैं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने हाथ मार के कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बताएं आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे कि नहीं लड़ना चाहेंगे। तो मैंने कहा जी अगर आप चाहें तो ये तो बहुत बड़े एतराज की बात है पार्टी का सरबराह बनना। तो 26 जुलाई 2002 को उन्होंने फिर एक मीटिंग रखी अपने दफ्तर में, जिसमें के जनरल महमूद थे जो DGISI थे उन दिनों में, और उसके बाद
उनके साथ कुछ और लोग थे जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, DGMI थे और जनरल थे उनके साथ जो बैठे हुए थे, तारिक अजीज साहब को भी बुलाया, चौधरी बरादरान को भी बुलाया जी और ने कहा कि मैंने ये फैसला किया है। तो दोनों भाइयों ने उस वक्त मेरे ख्याल में एक, क्योंकि उनको पहले से इस बात का इल्म हो गया था, तो उन्होंने इस बात को प्रियम करने के लिए पूरी स्टोरी घड़ी हुई थी। और फिर उन्होंने प्रवेश अच्छा मिश्र साहब कहा जी जहाजुल हक के साथ तो हमारे बड़े घरेलू ताल्लुकात हैं और हम उनको चेयरमैन कैंपेन कमेटी बनाएंगे, इस वक्त आप पार्टी की सदारत चेंज ना करें, तो हमारे उनके साथ तो बिल्कुल ऐसे ताल्लुकात हैं जिस तरह हम दोनों आपके साथ बैठे हुए, तो आप समझ लें कि हम तीनों बैठे हुए हैं आपके साथ। और फिर इन्होंने जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो तारिक अजीज साहब के साथ मिलकर इतनी शदीद मुखालफत की कि अपना वो इलेक्शन में पूरी ISI को भी इन्वॉल्व किया और लोगों को वोट डालने से मना किया, और खास तौर पर और मुझे वहां तक एक्सेस ही नहीं दिया कि मैं मुस्लिम लीग हाउस तक पहुंच सकता। मुझे बुलाकर एक जगह अपने घर में बैठा दिया और कि हम अभी आते हैं आपसे मीटिंग करते हैं। तो साजिश तो मेरे ख्याल में हमने नहीं की, साजिश परवेज इलाही साहब ने की। और फिर दूसरी मरतबा जब हम अपना नहीं, परवेज नाजम चेंज इलाही करने साहब लगे, ने, आप कह रहे हैं आपके खिलाफ साजिश की, लेकिन इसका मकसद क्या था? क्यों साजिश की उन्होंने? मकसद ये था कि कोई बड़ी पॉलिटिकल फिगर सामने ना आए पार्टी की सदारत के लिए। वो चाहते थे कि मियाँ अजहर साहब, क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं थी मियाँ अजहर से, लेकिन जब मेरा नाम उन्होंने सुना तो उन्होंने फिर मियाँ अजहर को ही कहा कि इन्हीं को रहने दें, क्योंकि वो समझते थे कि अगर कोई जरा सी भी भारी भरकम शख्सियत आ गई पार्टी के अंदर तो उनके लिए बहुत सी शायद पॉलिटिकली मुश्किलात पैदा हो जाती और लोग जो है वो क्योंकि उनकी पब्लिक में इतनी सपोर्ट नहीं थी ना, वो जलसे जुलूस कर सकते थे। वो एक ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स उन्होंने सारी उम्र की है। तो और फिर चौधरी मुझे सबसे बिरादरान का बड़ा, आप खुद भी कह रहे हैं आपके साथ घरेलू ताल्लुक था, तो इसके बावजूद आपके खिलाफ साजिश की, तो ये क्या चौधरी बिरादरान का तरीका वारदात है? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम होती है। ताल्लुक आज भी मेरे चौधरी शिराज साहब की मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं उनको कभी भी नहीं सोच भी नहीं सकता कि मैं उनके खिलाफ कोई साजिश करूं। लेकिन ये परवेज इलाही साहब जो है, इन्होंने ही चौधरी शुजात को आप देखें ना, जो अपने वालिद के कातिलों के साथ जाकर बैठ गए, ये आप जरा गौर करें इस बात पे कि जी सारी उम्र इस बात को वो चौधरी शुजात साहब रोते रहे कि मेरे वालिद का कातिल जो थे वो अलजुल्फिकार थे, मेरे वालिद के कातिल जो है वो पीपल्स पार्टी वाले थे, और इस बात पर उनकी एक नजरियाती पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन यहां पर भी उन्होंने अपनी, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना था तो कॉम्प्रोमाइज करवा के चौधरी शुजात को भी मजबूर किया, उन्होंने जाकर पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए। तो ये साजिश करने की तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी की आदत है ना, मैंने कभी मंजूर भट्टू साहब के साथ तो इतने ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन हामिद लेकिन अली आप कह चट्टा रहे साहब हैं के साथ चौधरी मैंने, परवेज इलाही साहब ने आपके खिलाफ साजिश की। अभी मुझे बताइए कि अभी जो करंट सिनेरियो पॉलिटिकल चल रहा है, उसमें जो जो PMLQ है वो हुकूमत के साथ खड़ी हुई है पंजाब में भी और विफाक में भी, लेकिन उसके बावजूद मसलसल PTI को तनकीद का निशाना बना रही है। इसकी क्या वजह है? ये ब्लैकमेलिंग है या 10 सीटों पर इनको बनाया जा सकता है वजीर आला? क्या वो कोशिश तो यही हो रही है मेरे ख्याल में। वो इस वक्त जो बुज़दार के साहब के पीछे जो हाथ है वो इन्हीं का बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बुज़दार को हटा दिया गया एज चीफ मिनिस्टर और किसी और को PTI में से बना दिया गया तो वो फिर इनकी दाल नहीं गलेगी इतनी। और ये इनकी कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से दो शख्सियात को ये इस वक्त कोशिश करें, तो अपनी कि मैं चीफ मिनिस्टर आ जाऊं, और इसलिए इन्होंने काफी नून लीग के काफी MPS जो है उनके साथ डायरेक्ट रवाबत भी किए जो पहले या काफ लीग में रह चुके हैं या PMLN में रह चुके हैं, और इनके साथ जिनके ताल्लुकात रहे हैं इंटरेस्टिंग। उसमें से मैं, मेरे पास बहुत से नाम भी है, मैं नहीं लेना चाहूंगा टेलीविजन के ऊपर। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि शौकत अजीज के साथ इनका झगड़ा हुआ, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ झगड़ा हुआ, उससे पहले इन्होंने नवाज शरीफ 86 में भी साजिश की नवाज शरीफ को हटाने के लिए, और आपको पता है जनरल दौलत ने जब कहा, शहीद ने कहा कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए, तो वो कौन कर रहा था साजिश उस वक्त? तो हमने तो सियासत के अंदर कभी ऐसा मौका आने नहीं दिया, बल्कि तो आप कह कॉम्प्रोमाइज किए रहे और हैं कि कुर्बानी दी। चौधरी बिरादरान का जो रैकेट है वो साजिशें करने का है, और अभी भी पंजाब में जो बुज़दार के खिलाफ साजिश हो रही है वो चौधरी परवेज इलाही और बाकी लोग कर रहे हैं।
अब बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा मेरा ख्याल है कि ये इनकी कोशिश ये है कि ये क्योंकि पार्टी के अंदर इनके इनकी वजह से वहाँ पीटीआई को एक सपोर्ट मिली हुई है और उनके पास इतने नंबर्स नहीं है पंजाब के अंदर कि या वो पीएमएलएन के लोगों को साथ मिलाएं या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएं तो फिर उनकी बात बनेगी, लेकिन उनको वो कर नहीं सकते इस तरह। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को भी पता है इस बात का और इसीलिए उन्होंने रुकावट डाली हुई अभी तक, जो मोहन सिलाई जिसके लिए परवेज इलाही दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं कि वजीर बना दिया जाए, तो अभी तक इसीलिए उसको भी वजीर नहीं बनाया। लेकिन उनका कहना तो ये है कि मोहन सिलाही साहब को ऑफर की गई है वजारत लेने की, लेकिन हम अब नहीं लेना चाहते हैं। नहीं, लेना लेना तो बहुत चाहते हैं। अभी पिछले दिनों अगर उनका आपने इंटरव्यू सुना हो जो उन्होंने दिया था कि खान साहब जो है वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मैंने तो नहीं कहा था, उन्होंने ही कहा था। तो कोशिश तो उनकी पूरी थी कि वजारत भी दी जाए और वजारत भी वो इंडस्ट्रीज की दी जाए उनको। बिल्कुल सही। अच्छा एजाजुल हक साहब, अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे एमपीएस हैं जिनसे राबते किए जा रहे हैं, कुछ का नाम बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल में सबको मालूम है। एक दो दफा उनको टीवी पे भी लेके आए थे, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। वो कुछ एमपीएस को उन्होंने ग्रांट दी है जो कि पीटीआई के नहीं है, पीएमएलएम के हैं, उनको उनके हल्कों में जो ये 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं उन एमपीएस को भी दिए। अगर उनकी लिस्ट निकाल के देख लें तो आपको भी पता लग जाएगा। और कुछ एमपीएस ने छोटी छोटी यानी कि डीएसपी अपना लगवा लिया या 2 SHO लगवा लिए और वो फिर मतलब फ्लोर तो क्रॉस नहीं की, लेकिन अंदरूनी खाना इनको आकर कह दिया जी कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल, ब्रीफ सा जवाब चाहूंगा। एजाजुल हक साहब, आप समझते हैं कि अगर चौधरी बिरादरान वफाक और पंजाब में रहे तो कोई ना कोई इंस्टेबिलिटी होती रहेगी पॉलिटिकल सिनेरियो में? और दूसरा ये भी कि ये जो खबरें मीडिया में मुसलसल लीक की जाती हैं, क्या समझते हैं कौन करवाता है ये खबरें लीक? देखिए, ये खबरें वही लीक करवाते हैं जिनको के जिनकी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह से इक्तदार में, वो समझते हैं कि हमें वो हिस्सा नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, और उसके लिए उनको एक हिस्सा चाहिए नौकरियों के अंदर, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर और दीगर मराज चाहिए उनको। और जब वो मराज नहीं मिलती तो वो फिर हुकूमत में बैठे हुए हुकूमत की टांगें खींचनी शुरू करते हैं। ये आज को पहली मरतबा नहीं हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट्स में हमेशा ये ऐसा ही होता रहा है। और जब भी कोई कोलिशन गवर्नमेंट हुई है, अगर किसी को मालूम हो कि मेरी 2 सीटों की वजह से ये अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो वो फिर हर कोई कोशिश करता है कि मैं वजारत ले लूं, बरात ले लूं, और या फिर मैं मतलब 10 सीटों पे जो है वजीर आला बन जाऊं। जी बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। 3 माहिर मौशियात हमारे साथ होंगे, डॉक्टर फारूक सलीम होंगे, आबिद हसन साहब वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं 3 दहाइयों तक, वो भी हमारे साथ होंगे। और लाहौर से हमें डॉक्टर सलमान शाह साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक वजीर खजाना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मौशी सूरत हाल जो मुल्क की इस वक्त है उस पर बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, मारूफ मौशी तज्जिया निगार हैं और इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप है इनकी। आबिद हसन साहब भी हैं हमारे साथ, वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं कोई 3 दहाइयों तक, इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर फारूक साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। अब इमरान खान साहब की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां देखेंगे और महंगाई जो है वो नीचे आ जाएगी, और असद उमर खुद भी ये इतराफ कर चुके हैं कि कंट्रोल महंगाई को करना होगा वरना हम गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकेगी। आप समझते हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कोई कामयाबी हासिल हो सकेगी? शायद उन्होंने मंगल तक का टाइम दिया है, आप लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, इंतजार कर लें। 17 महीने इंतजार किया, 2 दिन वजीर आजम साहब को और दे दें, शायद कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप सामने आ जाए। ऑन अ सीरियस नोट, देखिए चाहत वजीर आजम की जरूर है, मुझे भी यकीन है कि वजीर आजम साहब चाहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में क्रिएट हों। वजीर आजम साहब ये भी चाहते हैं कि 50 लाख घर बने। अब चाहत और एक्चुअल नतीजे में बड़ा फर्क होता है। जी बिल्कुल सही। आप चाहते हैं, उसके बाद फिर एक टीम बनाई जाती है जो पॉलिसी साजी का काम करती है, फिर एक टीम बनाई जाती है जो हिकमत अमली बनाती है, तरीका कार बनाती है, फिर एक टीम बनती है जो इम्प्लीमेंटेशन टीम कहलाती है।
तो वो चाहत को नतीजे में बदलने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, और ये टीमें बनाना और ये पॉलिसी साजी करना और ये हिकमत अमली बनाना ये काफी टाइम लग जाता है। पहले तो आपको टीम ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पे 17 महीने का रिकॉर्ड जो है वो तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि चाहते तो बेशुमार है जी, लेकिन ना तो कोई पॉलिसी रियली नजर आती है, ना कोई हिकमत अमली बनाने वाली टीम नजर आती है। उसके बाद फिर वो आपकी इंप्लीमेंटेशन टीम बनेगी, उसके बाद कोई नतीजा आएगा, तो वो नियत और काबिलियत इन दोनों को आप जमा करेंगे फिर नतीजा निकलेगा। तो यहां पे नियत तो क्लियर नजर आ रही है, लेकिन जो आपका फुकदान नजर आ रहा है वो काबिलियत में बेतहाशा संगीन शदीद किस्म का फुकदान, तो नतीजा नहीं निकल पाएगा जब तक वो दोनों में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर सलमान शाह भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास जाने से पहले आबिद हसन साहब मैं आपसे पूछूंगा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मौशी इकदामात लिए जा रहे हैं, कैसे इन इकदामात को आप लेंगे, इससे मौशी बेहतरी होगी? देखें अभी तक तो वो स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं ना कि भाई जो एक रन अवे ओवर हीटेड इकॉनमी थी आज से 2 साल पहले, आपका ह्यूज गैप था करंट अकाउंट में, फिस्कल डेफिसिट आसमान पे चढ़ा होता, तो उसको कंटेन करने के लिए तो कुछ हद तक तो देयर सक्सेसफुल। आपका करंट अकाउंट कम हुआ है, डेफिसिट इज वेरी गुड, आपका फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, बट अब फिर से दोबारा रिसर्फेस कर रहा है क्योंकि अंडरलाइंग उन्हें चीजें पूरी तरह नहीं की। तो जो ये फेज है स्टेबलाइजेशन का, ये तो होना ही होना था, जिस क्योंकि हमने इतने गहरे गड़े में थे, और ये हमारे ये नहीं है कि पहली दफा ये हुआ है, ये 30 साल में ये कोई 10वीं दफा ये हो रहा है। तो अब ये है कि ऑब्वियसली ग्रोथ कम हो गई और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कुछ सेक्टर्स जैसे गाड़ियों का है, इंपोर्टेड है ना सब चीजें, आपने एक्सचेंज रेट को ठीक किया जो होना चाहिए था, गाड़ियां कीमतें बढ़ गई, उसकी डिमांड कम हो गई तो उनकी फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन कम हो गई। अब यहां से जो पिकअप करना है वो एक इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, और दूसरा है कि इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कहां से आ रही है, देखें एक तो डिवेल्यूशन हुई तो इम्पोर्टेड चीजों तेल की कीमत बढ़ गई, वो तो उससे कॉस्ट बढ़ने में, दूसरा है कि इन्होंने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दी जी, दैट इज ठीक है। तीसरा है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मार्केट की प्रॉब्लम है, ये जो वीट का क्राइसिस हो गया ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू है, इसको पहली दफा नहीं हुआ, बट इट इज मैनिपुलेटेड। वेल देखें बात सुने, डॉक्टर फारूक साहब ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल इस पर लिखे हैं माफियाज के नाम, नहीं नहीं कोई माफिया शाफिया, 40 बिलियन रुपीज एक महीने में कमाए जाते हैं जब 20 रुपए आटे की कीमत बढ़ती है। तो आप पता नहीं कितने लोग, मतलब जो लोग जमीनें खरीदते हैं और फिर 4 महीने होल्ड करके बेच देते हो, वो मैनिपुलेशन या माफिया नहीं, हो क्या रहा है कि ये 70 साल से गवर्नमेंट वीट प्रोक्योर करती है, ठीक है ना, जो भी प्राइस है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी जी जी, और उसमें हैवी लॉसेस होते हैं क्योंकि वो गंदम उनकी उसमें पड़ी होती है गोडाउन में, कुछ वहां से चोरी हो जाती है, कुछ चूहे खा जाते हैं, उसके बाद वो सस्ती बेचती है फ्लावर मिल्स को मार्केट की कीमत से कम, फिर जब वो सस्ती फ्लावर मिल को कहती है भाई तुम सस्ता बेचो, तो अगर एबंडेंट सप्लाई ना हो तो वो फिर जो फ्लावर मिल्स हैं या जो जो डीलर्स हैं, जो मतलब सैकड़ों में डीलर हैं, हजारों में हैं छोटी छोटी दुकानें, वो फिर मार्केट का फायदा होती है, वो होल्डिंग। अब इसमें जो पब्लिक पॉलिसी इशू ये नहीं है कि आप पकड़ धक्कड़ करें, ठीक है, अगर ये है कि अगर आपको हमने सस्ता दिया है तो आप उससे नहीं बेनिफिट कर सकते, बिल्कुल सही। तो इसमें हुआ क्या है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होगी, माफिया इन्वॉल्व नहीं है। देखिए आई कम टू यू अगेन जी, मैं डॉक्टर सलमान से आसम, अभी कोई 150 से 300 बिलियन रुपीज के नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाने की तजवीज है, मिनी बजट लाया जा रहा है, 750 बिलियन रुपीज के टैक्सेस आप प्रीवियस बजट में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, उसके बावजूद जो टैक्स की कलेक्शन है, जो टारगेट है, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, इससे तो इकोनॉमी बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी। देखिए आई थिंक जो टारगेट था टैक्स का वो बहुत ही एम्बिशियस था, और इवन दो एक इकोनॉमी जैसे आप कह रहे हैं जो स्लो डाउन में है, जो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, उससे 17-18% भी टैक्स कलेक्शन में इजाफा एक खासी
मेहनत का काम था और उसकी वजह से कलेक्शंस तो हुई हैं, लेकिन इकोनॉमी में और भी स्लो डाउन आया है। सो आई थिंक कि अब जो नया जो बातचीत चल रही है IMF के साथ, मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें कुछ एक्सपेंडिचर साइड के भी रिव्यू होगा और ओवरऑल टारगेट जो है वो तो प्राइमरी डेफिसिट का है कि वो 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो मेंटेन मेरा ख्याल होगा, लेकिन हो सकता है कि एक्सपेंडिचर की तरफ से कुछ कमी की जाए। इसके साथ साथ आपको पता है कि अभी जो आपके अगले टारगेट्स हैं उसमें भी हो सकता है कमी कुछ थोड़ी बहुत आए, तो वो भी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर्स में। और PSDP हमने देखा है कि पहले 6 माह में तकरीबन 27 से 28% वो हुआ है, जो कि एक नॉर्मल टाइम में भी इतना ही होता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या बाकी पीरियड में PSDP में कुछ कट्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी, और दूसरी तरफ अगर यूटिलाइजेशन नहीं होती तो फिर उसमें भी कुछ कमी आएगी। सो ओवरऑल आई थिंक कि ये जो है कोई फर्दर इंटेंसिफाइड एफर्ट करके कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कुछ एक्सपेंडिचर साइड से करेंगे, और आई थिंक कंटिन्यू करेगा। और जैसे आपने कहा कि ये IMF का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको अभी तक तो वो अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है, और आई एम श्योर कि ये टारगेट्स जो हैं फिस्कल साइड पे जरा मुश्किल टारगेट्स हैं, बट इसमें भी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, बट प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट जो है उसको मेंटेन किया जाएगा। जो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट या मिनी बजट है, इससे अवाम की बदहाली बढ़ नहीं जाएगी, चूंकि आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। शेख साहब ने भी ये कहा है कि इसको मिनी बजट ना कहा जाए, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट कहा जाए, तो ऑलरेडी महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा अवाम के लिए। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि एक्सपेंडिचर साइड पे ज्यादा मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि इकोनॉमी जिस स्लो डाउन सिचुएशन में है उसमें से और ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होगा। सो मेरी जाती राय है कि ये एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर एडजस्टमेंट होगी। ओवरऑल जो है वो आपने देखना है कि आप रिकवरी की तरफ अगर आपने जाना है तो उसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे पहले बातें हुई हैं कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन में इन्वेस्टमेंट आएगी, हो सकता CPEC से के जरिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हों। तो आई थिंक ये जो इस वक्त एक डूम एंड ग्लूम की फिजा है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी। डॉक्टर साहब, एक छोटे से ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी बात की जाएगी कि 13.2% है, कहा जा रहा है कि अगर इसको 10% पर लाया जाए तो मुआशी सूरत हाल में कुछ बेहतरी नजर आ सकती है, और दूसरी ये बात भी है कि नए टैक्सेस जो हैं वो और कितनी खराबी पैदा करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फरूख साहब, ये एक तो ये बताइए कि 13.25% की जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से भी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट करने से कासिर हैं, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक सर्वे भी मेरे पास मौजूद है, उसके मुताबिक भी जो 5 पहली चीजें हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा। देखिए, प्रोग्राम आपका बड़ा टेक्निकल किस्म का हो गया, इसमें बड़े बड़े अल्फाज स्टेबलाइजेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। मैं जहां तक समझता हूं, एक आम आदमी जो है पाकिस्तानी वो सिर्फ दो इकोनॉमिक इशारे समझता है, वो पहला महंगाई का समझता है और वो दूसरा बेरोजगारी का समझता है। ये तीसरे मामला जो है, ये इकोनॉमिस्ट जो है मईशतदान बैठ के बेशक लंबी लंबी बहस करते रहें, लेकिन मामला एंड में सस्ती रोटी का है और रोजगार का है।
और उसमें हकीकत यह है कि पिछले 12 महीनों में, अब इसमें जो मैं अथॉरिटी समझता हूं वो डॉक्टर हफीज पाशा साहब हैं, उनके पास एक वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी है, वो बड़ी डीप रिसर्च भी करते हैं और इस किस्म की जो नंबर्स हैं उनके पास से जो आते हैं उनके ऊपर मेरा आजादी तौर पर एटलीस्ट बड़ा ट्रस्ट है। वो ये कहते हैं कि पिछले 12 महीनों में जिस रफ्तार से महंगाई हुई है उसमें उसके नतीजे में तकरीबन 88 लाख पाकिस्तानी शराय गुर्बत से गिर गए और 10 से 11 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो गए। और उनका यह भी कहना है कि जो 3.3% की ग्रोथ हम कह रहे थे उनका ख्याल ये है कि ये एक्चुअली 1.9 के करीब आ रही है और जो अब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 2.1 पे जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, उनका ये ख्याल है कि शायद वो 1% के इर्द गिर्द रहेगी। अब ये 1% 2% में छुपी हुई बात है बेरोजगारी की कि अगर हम 1% पे जाते हैं इसका मतलब है कि मजीद 11-12 लाख पाकिस्तानी अगले एक साल यानी कि औसतन 1 लाख पाकिस्तानी महाना बेरोजगार होंगे। अब ये जुड़ा हुआ है जो आपने सवाल किया कि 13.5% का इंटरेस्ट, देखिए 13.5% का अगर पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का तो बिजनेस जब बोरो करने जाते हैं उनको 17-18% देना पड़ता है। दुनिया में कौन सा ऐसा कारोबार है कि आप 17-18% के ऊपर बोरोइंग करके बैंक से लोन लेके उसके ऊपर मुनाफा कमा सके? तो मुनाफा बख्श जो है मुनाफा बख्शी खत्म हो गई है पाकिस्तान में कंपनीज के ऊपर, आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, अब मुनाफा बख्श नहीं रही। जब मुनाफा बख्श नहीं रहती तो फिर वो अपना बिजनेसेस एक्सपेंड नहीं करती। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो आप सोचिए कि जिनके सर पे 1 करोड़ रुपए सूद की मद में उन्होंने देना था पिछले साल, अब वो 2 करोड़ बन गया है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और कंपनीज बंद हो गई हैं जिसके नतीजे में फिर आपको ये बेरोजगारी नजर आ रही है। अब मुझे महसूस ये हो रहा है कि हमारी जो हुकूमत की पॉलिसी है या स्टेट बैंक की पॉलिसी है हाई इंटरेस्ट रेट रखने की, उनका गोल है वो जिसको हॉट मनी कहते हैं कि हमने दुनिया भर से ज्यादा पैसा किस तरह पाकिस्तान अट्रैक्ट करना है और वो फिर एक ट्रैप है। अब ये हम पहुंच गए हैं कोई 2.9-3 बिलियन डॉलर के करीब इकट्ठा कर लिया गया है। जी बिल्कुल आ गया। अब अगर इंटरेस्ट रेट जैसे आपने कहा कि 10% पे क्यों नहीं ले आते, अगर 10% पे लाने की कोशिश की गई तो ये पैसा बाहर निकलने की कोशिश करे और उस वक्त फिर पाकिस्तान के पास शायद पैसे हो नहीं ये वापस जाने के, तो ये हुकूमत खुद अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लेती है। जब आपने हाई इंटरेस्ट रेट रखा और आपने हॉट मनी को अट्रैक्ट किया, हॉट मनी आपके मुल्क में आई, अब आप सोच रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट गिरा दें कि जो आपकी डोमेस्टिक मईशत खराब हो रही है, तो आप नहीं कर पाएंगे ये काम। मुझे याद आ रहा है साकिब इशरानी साहब ने शायद एक आर्टिकल में पिछले दिनों लिखा था, हमारे साथ ये जो इकोनॉमिक बबल हो चुका है ऑलरेडी हम इसकी वजह से लॉस कर चुके हैं, ये हॉट मनी को बहुत ज्यादा हमने अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी कुछ साल पहले और उसके नतीजे में ये जो बबल था ये क्रैश कर गया था, फट गया था। देखिए इसके ऊपर तो बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, बहुत काम, जो वर्ल्ड बैंक के एक फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर जोसेफ स्टिग्लिट्स, उन्होंने खुद से बहुत काम किया है, उन्होंने कोई 7-8 ममालिक में जहां ये तजुर्बा हुआ है हॉट मनी लाने का, जिसमें चिली है, अर्जेंटीना है, इवन इजिप्ट है ना, उसमें कोई ऐसा मुल्क है नहीं इस वक्त जहां पर यह तजुर्बा कामयाब हुआ हो। यानी कि आप पहले तो पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपके इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसके बाद का क्या सिनेरियो होता है जब आप इंटरेस्ट रेट नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये जब पैसा भागेगा। देखिए हॉट मनी इसको कहा ही इसलिए जाता है कि ये तो गर्म तवा देखता है, जिस मुल्क में तवा देखता है कि गर्म है वो पहुंच जाते हैं अपनी रोटी लगाने के लिए और जैसे ही तवा ठंडा होगा तो वो भाग जाएंगे। 1.9% और 2% पे पूरी दुनिया से पैसा यहां पर लाया जा रहा है, चूंकि इससे अच्छा प्रॉफिट तो पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। हॉट मनी के कॉन्सेप्ट से आप कितना एग्री करते हैं और 13.25% की जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम क्यों नहीं किया जा सक रहा और इसकी सिर्फ वजह सिर्फ हॉट मनी को अट्रैक्ट करना है या कोई और भी वजह है? बेसिक वजह शुरू कहाँ से होती है कि आपने एक्सचेंज रेट को अगर स्टेबल करना है तो कम से कम 3 महीने या 4 महीने इंपोर्ट्स आपके पास रिजर्व होने चाहिए। जब आपके पास 3-4 महीने के रिजर्व होते हैं ना तो लोग समझते हैं कि जी अब इकोनॉमी या एक्सचेंज मार्केट स्टेबल हो गई है। ठीक है, अब इनके पास क्या तरीके थे 4 महीने के पहुँचने के? एक्सपोर्ट बढ़े, सऊदियों से पैसा ले लें, IMF से पैसा आया, वर्ल्ड बैंक से आया, एशियन बैंक से आया, दूसरा उसमें मार्केट से खरीदे। अच्छा, अब मार्केट से अगर खरीदेंगे तो एक्सचेंज रेट 150 से 160 पे चला जाएगा, 160 से 170 पे जा सकते। अब मार्केट से सडनली आप इमेजिन करें
कि आप मार्केट से $3 बिलियन खींच के अपने पास रख लें। तो ये एक ट्रेड ऑफ है मसलन कि ठीक है, हम अगर हम मार्केट से लेंगे तो एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, अगर हम बाहर से लेके आएंगे, मतलब सऊदी तो हमें दे दें तो उस पर हॉट मनी नहीं होगा, क्योंकि वो या चाइनीज दे दें या वर्ल्ड बैंक दे दें, वो लॉन्ग टर्म है। तो इनमें उन्होंने सोचा कि चले एक छोटा ऐसा जो है हॉट मनी का कर लें, ताकि हम वो जो एक टारगेट है 4 महीने की इम्पोर्ट्स का या 3 महीने जो भी है उसको मीट करने के लिए $12 बिलियन के करीब जो भी है, तो वो ऐसा मतलब होने चाहिए, ठीक है ना। अब क्लियरली जब ये नीचे करेंगे, जो ऑलरेडी आ चुके हैं जिनको 12% मिल रहा है 6 महीने के लिए, 13% 6 महीने के लिए, वो तो नहीं अपना जाएंगे ना, नया हॉट मनी आना कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इनको क्लियरली अब चाहिए कि ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, $3 बिलियन आ गए हैं, चाहे अब देखना है उनको $3 बिलियन ये जो आए हैं ये 3 महीने के लिए आए हैं, एक हफ्ते वाले आए हैं, या 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए ना, तो ये तो ठीक है, तो ये नीचे करेंगे तो 3 महीने में वो लोग, सम ऑफ देम विल लीव, सम ऑफ देम मे नॉट लीव, ठीक है ना। बट क्लियरली ये अब जो है क्लियर हो गया है, कोई ऐसा आपको इकोनॉमिस्ट नहीं अब मिलेगा जो कहेगा कि जी इसको कम नहीं करना चाहिए। एफपीआर के हवाले से सवाल पूछना चाहूंगा, 60% ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, 17 या 18% 21 या 23 हजार मुलाजमीन एफपीआर के टैक्स इकट्ठा करते हैं टोटल टैक्स का, तो इसमें रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, अब शबर जैदी साहब भी छुट्टी पर चले गए हैं, तो हम क्यों एफपीआर से ब्लैकमेल हो रहे हैं? देखिए, ब्लैकमेल इसलिए हो रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का रिफॉर्म दुनिया में सबसे मुश्किल है, आप मशीन को तो ठीक कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो एक पब्लिक ऑफिशियल है उसका एटीट्यूड आपने चेंज करना है। एफपीआर में क्या है, कस्टमर को कस्टमर नहीं ट्रीट करते, क्रिमिनल ट्रीट करते हैं। जो 20,000 लोग हैं वो ये सब समझते हैं कि ये जो टैक्स पेयर है सब जो हैं क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना। अब आपने उनको रिफॉर्म करना है कि भाई यू ट्रीट योर कस्टमर, यू ट्रीट अ टैक्स पेयर लाइक अ कस्टमर नॉट अ क्रिमिनल, वो बड़ा मुश्किल काम है। आप 20,000 बंदों को एजुकेट करें, या तो चाइना वाले इस्तेमाल करें ना, जब उन्होंने 1960 में री एजुकेशन, वो 3-3 साल लोगों को बाई दी हंड्रेड ऑफ मिलियन भेज दिया था री एजुकेट हो, तो इट्स अ पब्लिक एजेंसी, आप ये कर सकते हैं कि जी 20,000 में से आधे को कहें जी आप घर बैठे हैं, हम आपको तनख्वाहें देंगे, पेंशन देंगे, बट दफ्तर ना आए, ठीक है ना, कुछ उसकी स्क्रीनिंग करें, और कुछ ऐसे लोग, क्योंकि अब विद टेक्नोलॉजी यू डोंट नीड इतने लोग। IMF के साथ अब 4,700 रुपीज का जो टैक्स हदफ है वो निगोशिएट हो रहा है, आपके ख्याल में ये हदफ पूरा कर लिया जाएगा? मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। देखिए एम्बिशियस था, अभी आपको मैं बताऊं कि एम्बिशियस तो जो 55 वो भी था, ये भी मुश्किल है, जैसे सलमान ने कहा, देखें एक जब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही हो टैक्स इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, बट आपने ये भी देखना है कि जी ऐसा एक जिसको कहते हैं ना स्ट्रेच टारगेट, आप टारगेट स्ट्रेच वाला दें ताकि ये 20,000 लोग ओवर टाइम काम करें और टैक्स इकट्ठा करें फेयरली, और बट ये अब क्लियर हो गया है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच टारगेट था, और अब भी आई एम श्योर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये नहीं इकट्ठा होना, और जैसे सलमान ने अरब रुपए का मार्च के एंड तक टारगेट दिया गया, जैसे सलमान कह रहे हैं मोस्ट लाइकली, और अगर ये गवर्नमेंट सेंसेबल हो तो जो फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर साइड पे कोशिश करेगी, और जो लॉसेज हैं पब्लिक एंटरप्राइज वो भी बड़ा मुश्किल काम है लॉस कम करना, मतलब डॉक्टर फारूक साहब, एक तो आपने माफियाज की बात की है, अब ये बताइए कि 166 अरब रुपए चीनी के माफिया ने पिछले 15-16 महीनों में कमाए हैं, 40 बिलियन रुपीज एक महीने में बनते हैं जो फ्लोर मिल्स की जो एसोसिएशन है उसके, या जो भी इसमें माफियाज इन्वॉल्व है, अब इमरान खान साहब के ये सारे इर्द गिर्द लोग नहीं बैठे हुए, कहाँ हैं ये माफियाज? देखिए खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने कुछ ही दिन पहले लाहौर में कहा कि माफियाज जो हैं वो रुकावट बन रहे हैं तब्दीली की राह में, और साथ ही उन्होंने ये फरमाया कि मैं उन माफियाज से उनके मैं जानता हूं कि वो कौन से माफियाज हैं। तो तीन बड़े वो हम्बल सी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, सवाल समझ लीजिए जो बनते हैं कि खुदाया उन माफियाज का नाम हमारे साथ भी शेयर कर लें, अगर वजीर आजम साहब को मालूम है उस माफियाज का नाम तो हमें भी बता दें कि वो कौन है, अगर उनकी ऑलरेडी निशानदेही हो चुकी है। दूसरा मामला ये बनता है कि अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो 17 महीने PTI की हुकूमत को गुजर गए, तो उनको कानून के शिकंजे में अभी तक क्यों नहीं लाया गया? बिल्कुल सही।
और तीसरा सवाल ये बनता है कि अब आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, मतलब आपका क्या मंसूबा है कि इन माफियाज को आप कंट्रोल कर लेंगे और जो आपकी और मेरी जेब से पैसा निकल रहा है, जैसे जो आपने 40 अरब का हिसाब बताया वो बड़ा सिंपल सा हिसाब है जी। हम तकरीबन 20 लाख टन गंदुम महाना इस्तेमाल करते हैं हम 21 करोड़ पाकिस्तानी मिलके, और अगर 20 रुपए किलो, एक किलो का अगर 20 रुपए बढ़ जाती है तो आपकी और मेरी जेब से 40 अरब रुपया महाना निकल गया। तो अब अगर आपकी और मेरी जेब से निकल रहा है तो जाहिर बात है कि किसी की जेब में जा भी रहा है, उसकी निशानदेही करने की जरूरत है। इसी तरह तकरीबन 4 से 4.5 लाख टन चीनी आप और मैं इस्तेमाल करते हैं महाना बेसिस के ऊपर, अगर 20 रुपए किलो चीनी बढ़ती है तो 8 अरब रुपए का एक टीका लगता है और आपको और मुझे लगता है, आपकी और मेरी जेब से पैसा जाता है। तो इसकी भी निशानदेही करना जरूरी है कि वो किसकी जेब में जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत की प्रॉब्लम नहीं रही है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो इंटरेस्ट का मुफादात का तजाद हो जाता है, ये चला आ रहा है पिछली कई गवर्नमेंट्स के दौरान। ये होता है यानी कि जो फैसला साज लोग हैं, इदारे हैं, उनके अपने मुफादात हैं इसी सेक्टर के अंदर। वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, वो पीएमएलएन के दौरान भी था, आपने देखा होगा उनके दौरान भी गंदम की क्राइसिस आया करती थी, बहरान आया करते थे, चीनी के बहरान आया करते थे, और कोई कोई खास पार्टी जो है वो उसमें पैसा बनाया करती थी। बिल्कुल सही है। तो उसको तोड़ना कैसे है? बिल्कुल सही है, निशानदेही पहली होगी। आप नहीं समझते कि वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग ही बैठे हुए हैं? जहांगीर खान तरीन साहब है, खुसरो बख्तार साहब है, हमायूं अख्तर साहब हैं, ये चीनी का कार्टल तो ये चलाते हैं, इसी तरह से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी इन्हीं लोगों के साथ। ज्यादा मिले तो अपना शरीफ फैमिली की हैं और नहीं, वो बंद पड़ी हुई है सहल, वो बंद पड़ी हुई है। तो फिर अगर वो बंद हो गई है दैट मीन्स कि शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, दूसरा ये आपसे सवाल कि अभी जो शबीर जैदी साहब हैं छुट्टी पर चले गए हुए हैं, पहले हमने देखा कि आईएमएफ से जो निगोशिएट करना था वो हम बड़ा लेट हो गए, असद उमर साहब नहीं कर सके, तो अब हमें ये नहीं चाहिए कि शबीर जैदी साहब की जगह एफबीआर का कोई चेयरमैन ले आए जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी जो टैक्स का कलेक्शन है उस पर शॉर्टफॉल नजर आ रहा है, तो फिर मिसमैनेज ना हो जाए चीजें। अच्छा, एक मेरा ख्याल ये है कि शब्बर जैदी साहब ने जो कलेक्शन की है वो बड़ी अच्छी कलेक्शन की है, यानी कि 2.4 ट्रिलियन उन्होंने 7 महीने में इकट्ठा कर लिया है, जो तकरीबन 16 से 17% इजाफी है पिछले साल के मुकाबले में जी। तो ये कलेक्शन टैक्स की इतनी ही है, पाकिस्तान में इतनी ही जान है, 21 करोड़ पाकिस्तानी यही टैक्स दे सकते हैं जो इन्होंने कलेक्ट कर लिया। देखिए, पिछले साल का जो कलेक्शन थी वो हुकूमत ने हमें खुद बताया कि 3.8 ट्रिलियन की थी, अब अगर 4.5 का टारगेट हो, 4.4 का टारगेट हो, जो 16-17% इजाफी हो जाएगा पिछले साल के मुकाबले में, दैट्स अ फेयर टारगेट। और वहां पे तकरीबन हमारी एफबीआर जो है वो पहुंची हुई है। तो ये हमारी अपनी गलती है, वो 5.5 वाला टारगेट तो बिल्कुल ही हवा से आपने एक फिगर आईएमएफ वालों ने खींच ली थी, उसका कोई बेसिस नहीं था, उसके कोई मतलब 45% इजाफा पाकिस्तान की 72 साल तारीख में नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, फिर मैं ये समझता हूं कि ये फोकस जो है टैक्स के ऊपर ये गलत है। बिल्कुल सही, फोकस होना चाहिए मईशत के पहिए की स्पीड के ऊपर, जितनी तेजी से वो पहिया चलेगा उतनी तेजी से टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप टैक्स के ऊपर फोकस रखेंगे तो मईशत का पहिया रुक जाएगा और आपके पास टैक्स भी कम आएगा। शुक्रिया, शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।